अच्छे से हो जाए आशीर्वाद। हम करें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है, पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को एक रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करी है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरा तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको एक गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये तीन के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको एक साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर एक रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का दाना खिलाया, एक भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है, भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं है। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए, हर एक व्यक्ति के घर में एक बेटी तो देना ही चाहिए। अगर दो लड़के दिए हैं, तीन लड़के दिए हैं, तो एक कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता, उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि कन्यादान नहीं करा। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए, अभीर, अभीर एक सफ़ेद कलर का बॉर्डर होता है, अभीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अभीर डलता है, चमकदार आपने देखा होगा अभीर, तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अभीर को लगा कर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज, बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना भीड़ लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। करो श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाएगा, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं,
और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कही तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूँ दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति बताओ बेल्ट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है, कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जा। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा, नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूं। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा पर देखो वो बिचारी ऐसी हो रही थी, इधर चले जा। शंकर जी वापिस नीचे उतर गए, पार्वती से कहा कैलाश चलें की ओर सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें की ओर सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए, शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं, डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है, जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पूछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको, वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूँ। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूँ, बस आंख के आंसू पूछ जाते हैं, फिर याद आते हैं, कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि